बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इया कनाबदो व इया कनस्ताइन। जनाब चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा महमूद खान, मेरे वज़रा, मेरे एमपीज और मेंगोरा के गयूर अवाम, मैं सबसे पहले इस शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं महमूद खान को आज खास मुबारक देना चाहता हूं दो चीजों की। एक कि जो आज सुबह मुझे इन्होंने गबीन जब्बा का दौरा करवाया, जो एक नई टूरिज्म के लिए जगह बना रहे हैं। महमूद खान, मैं आपको इसलिए मुबारक देना चाहता हूं कि इंशाल्लाह स्वाद बिल्कुल बदलने वाला है। एक एक्सप्रेसवे की वजह से, मोटरवे की वजह से, और दूसरे ये जो टूरिज्म के इलाके आप खोल रहे हैं यहां, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं इंशाल्लाह उस किस्म की खुशहाली आ रही है जो कभी पहले स्वात में नहीं आई। टूरिज्म, मेरे नौजवानों एक बात सुन ले कि टूरिज्म एक ऐसा शोबा है जिसमें इतना इतना ज्यादा पोटेंशियल है, यानी वो इतना तेजी से बढ़ सकता है। कोई ऐसी चीज इतने थोड़े वक्त पे इतनी ज्यादा खुशहाली नहीं पाकिस्तान में ला सकती जो टूरिज्म है। और टूरिज्म के लिए अब जो पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो मुझे नई जगह बताई हैं, तो एक तो पख्तूनख्वा और स्वात के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि बाहर से पैसा आएगा। टूरिज्म जितनी बढ़ती जाएगी, डॉलर बढ़ते जाएंगे, मुल्क में खुशहाली आती जाएगी। तो एक तो पहली ये महमूद खान टूरिज्म की मुबारक। दूसरी चीज जो आपने पहला सूबा पाकिस्तान में जो आपने फैसला किया कि आपने अपने सारे शहरियों को हेल्थ कार्ड देना है, ये महमूद खान आपने अल्लाह का काम किया है। अल्लाह आपसे खुश होगा। मेरे नौजवानों, एक प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम का बाप की तरह होता है और बाप अपने बच्चों की तरबियत करता है। तो मैं आप सबको आज सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो गलत रास्ते पे चले गए। नौजवानों, मेरी बात सुन लें, सारा वक्त आपकी जिंदगी में आपके सामने दो रास्ते आएंगे। एक रास्ता आपकी अजमत का रास्ता जिसको अल्लाह ने नेमतें बख्शी, और दूसरा आपकी तबाही का रास्ता। जो अल्लाह ने सबसे ज्यादा नेमतें बख्शी वो कौन सा इंसान था? वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह के हबीब थे। और अल्लाह ने आपको कुरान में कहा है कि उनके रास्ते पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो, अल्लाह का हुक्म है कि उनकी सुन्नत पे चलो। तो उनकी सुन्नत, एक तो उनका किरदार था, दुनिया के सबसे अजीम लीडर थे वो, ना कभी ऐसा लीडर आ सकता है, ना कभी आएगा, ना कभी ऐसा
अजीम इंसान आ सकता है? ना आएगा, ना पहले कभी आया है। और दूसरी उनकी सुन्नत मदीना की रियासत थी, और मदीना की रियासत में दो चीजें थी। सबसे पहले इंसानियत का निजाम था, और दूसरा कानून की बालादस्ती थी, कानून के सामने सब एक बराबर थे। और वो मदीना की रियासत की वजह से, उस मॉडल से मुसलमानों ने कई सदियों तक दुनिया की इमामत की। तो आज हम जो पाकिस्तान बना रहे हैं वो मदीना के रियासत के असूलों पे, सबसे पहला असूल इंसानियत का। और जो महमूद खान आपने फैसला किया कि सारे पख्तूनख्वा के लोगों को आप हेल्थ कार्ड देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, यानी 10 लाख रुपया एक खानदान के पास होगा, किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवाना चाहे 10 लाख रुपए तक करवा सकेगा। यह इतनी बड़ी नेमत है नौजवानों, यह इतनी बड़ी नेमत है। एक गरीब घर में बीमारी होती है और उस गरीब घर में पैसा नहीं होता इलाज करवाने का, सोचें उस घर पे क्या गुजरती है। वो बेचारे कर्जे लेते हैं, घर मकरूज हो जाता है, अपने करीबी बच्चों को मां बाप के इलाज करवाते करवाते घर कर्जों में चल जाता है। इसलिए इतनी बड़ी नेमत के एक घर में इत्मीनान होगा कि अगर कोई बीमार, मेरा बाप बीमार हो, मां हो, मेरे बच्चे हो, मेरे पास हेल्थ कार्ड होगा, किसी भी अस्पताल में, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी अस्पताल में जाके मैं इलाज करवा सकूंगा। मुबारक देता हूं मैं आपको, महमूद खान और पख्तूनख्वा के लोगों को। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह जो और हम चीजें कर रहे हैं, जो नया पख्तून, नया पाकिस्तान हाउसिंग, ये पहली दफा पाकिस्तान में होगा कि गवर्नमेंट ऐसे घर बनाएगी कि गरीब आदमी किस्तों में घर खरीद सकता है। जो वो किराया देता है उस किराए की जगह वो किस्तें देगा और उसका अपना घर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरत एक इंसान को अपने घर की होती है, अपनी छत की होती है। और आम आदमी के पास पैसा नहीं होता कि अपना घर बना सके। इसलिए ये जो दूसरी चीज हम करने जा रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहली दफा होगी। देर हमें इसलिए लगी कि जो कानून था, एक फोरक्लोजर लॉ कानून था, वो अदालतों में 2 साल से था। अल्लाह का शुक्र है कि वो कानून, वो अदालतों से फैसला हो गया और अब इंशाल्लाह हम वो निकल जाएंगे उस सफर पे कि हमारे लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो तनख्वाहदार हैं, जो मजदूर हैं, उनको मौका मिलेगा अपना घर लेने के लिए। कि पाकिस्तान में हम एक तालीमी निजाम लेके आ रहे हैं, यह हमारी 73 साल की तारीख में पहली दफा होगा। मीडियम और फिर दीनी मदरसे, इंशाल्लाह जो एक तालीम का निजाम लेके आ रहे हैं, यह पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में होगा। मौका मिलेगा गरीब घरानों से बच्चों को ऊपर आने का, वो भी ऊपर आ सकते हैं, वो भी प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। और इंशाल्लाह जो चौथी चीज है, कानून पख्तूनख्वा में भी पास हो गया है और अब पंजाब में भी, कि जो केसेस अदालतों में लगते हैं वो 1 साल के अंदर वो केस का फैसला होना पड़ेगा। जो हमने नया सिविल प्रोसीजर एक्ट पास किया है, 1 साल से ज्यादा केस नहीं जाएगा। जमीनों के केसेस 20-20
तीस तीस साल तक चलते हैं, लेकिन पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर जो कानून हमने पास कर दिया है, इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर केस खत्म हो गए, ताकि ये जो जमीनों के केसेस, सारी अदालतें भरी हुई हैं, जमीनों के केसेस खत्म नहीं होते, इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी तब्दीली इंसाफ के निजाम में आएगी। और अब तो सुनों पे थी, तारीख में पहली जो इंशाल्लाह दिया है, इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर केस खत्म हो गए, ताकि ये जो जमीनों के केसेस, सारी अदालतें भरी हुई हैं, जमीनों के केसेस खत्म नहीं होते, इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी तब्दीली इंसाफ के निजाम में आएगी। और अब जो दूसरी चीज, मदीना की रियासत की बुनियाद दो उसूलों पे थी, इंसानियत पे फलाई रियासत बनी थी दुनिया की तारीख में पहली, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाने चले हैं, और दूसरी कानून की बालादस्ती। अब ये जो ड्रामा हो रहा है, सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं, मैंने सारे पाकिस्तान के डाकुओं का नाम लिए, डीजल का नाम नहीं लिया, सब इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, अब ये चाह क्या रहे हैं, ये सुने सुने, ये क्या चाह रहे हैं मेरे से, ये क्या चाह रहे हैं, अब ये ऐसे है नौजवानों सामने सुनो, ये ऐसे है कि आपके घर पे कोई डाका मारता है, सारी चीजें चोरी करके ले जाता है, घर बेचारे लोगों को कर्जे लेने पड़ते हैं, खाने पीने के लिए कर्जे, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कर्जे, अस्पतालों के लिए इलाज के लिए कर्जे, तो वो घर मकरूज जो घर होता है, वो जाके उन डाकुओं को पकड़ता, कहता मेरा पैसा वापस करो, और वो डाकू कहते हैं कि नहीं, हम कानून से ऊपर हैं, हम पैसा नहीं वापस करेंगे। एक लंदन जाके बैठ जाता है, बड़ी एक्टिंग करता है कि बड़ा बीमार है, हम सबको तरस आ जाता है उसके ऊपर, बेचारी औरतें उसकी शक्ल देख के रोना शुरू हो जाती हैं, अदालतों को भी तरस आ जाता है कि इमरान खान इसको बाहर जाने दो। मैंने वैसे अदालतों को कहा, मैंने कहा कम से कम पैसे तो रख लो, 7 अरब रख लो बाहर जाने से पहले, क्योंकि ये पैसे का तो पुजारी है, पैसे की तो पूजा करता है ये। बहरहाल वो बाहर चला गया, बाहर चला गया, पहले तो कोशिश की उसने कि किसी तरह NRO मिल जाएगा, बड़ी कोशिश की उसने, उसकी बेटी भी यहां चुप, वो भी चुप, पूरी कोशिश की NRO मिल जाएगा, लेकिन वो ये जानता है कि इमरान खान NRO नहीं देने लगा। जब उसको ये इल्म हो गया कि अब जो मर्जी ब्लैकमेल करे इमरान खान NRO नहीं देगा, उसने जो अब गेम शुरू की है बाहर बैठ के, मेरे पाकिस्तानियों ये सुन लो, ये जो उसने गेम शुरू की है कि पाकिस्तानी फौज को अटैक कर रहा है, पाकिस्तानी अदलिया को भी और फौज को, और फौज को क्या कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और ISI चीफ को बदलो, यानी के फौज को कह रहा है कि बगावत करो, औरतों का एहतराम है, उसका फायदा उठाते हुए वो
वो बोल वो जबान इस्तेमाल कर रही है एक उस फौज के खिलाफ जो हर रोज अपनी कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के लिए, जिधर एक इंतहा पसंद, एक हमारा मुखालिफ हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर, एक इंतहा पसंद जो इस्लाम से भी मुसलमानों से नफरत करता है, जो कश्मीर में जुल्म कर रहा है, जिनका सिक्योरिटी एडवाइजर धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में, उस वक्त अपनी फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल कर रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते, लेकिन यहां औरतों का हम एहतराम करते हैं इसलिए वो उसको इजाजत है कि खुल के बात करें, लेकिन वो नवाज शरीफ गीदड़ों की तरह बाहर बैठ के बोल रहा है, बेटे भी बाहर भागे हुए हैं पैसा चोरी करके। मैं अपनी कौम को आज सब अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, ये समझ जाएं कि ये पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला कुन वक्त है जिधर वो बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे और उनको कोई इस मुल्क का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता था, जो दो मेजर पार्टियों के सरबरा जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को कह रहे थे, वो कहता था वो करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है, जरदारी को जेल नवाज शरीफ ने दो दफा जेल में डाला, नवाज शरीफ के ऊपर केस जरदारी ने किए, आज दोनों इकट्ठे होके मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं। और ये पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान को कि ये कोई खास अल्लाह की मखलूक है जो कानून से ऊपर है। कानून की बालादस्ती का मतलब सब कानून के सामने एक बराबर है। ये कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौम खैबर पख्तूनख्वा में सेहत सहूलत कार्ड तकसीम करने की तकरीब, उसका इफ्तिताह किया, सवात में वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद, अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। बेरोजगारी में चोरी करे लाखों की तो वो कितने साल जेल में रहता है, और जो लोग अरबों रुपए की चोरी करके मुल्क का पैसा बाहर ले जाएं, वो कहें कि हमें एनआरओ दे दो, क्या आप समझते हैं कि इसको एनआरओ देना चाहिए? नहीं, कोई ऐसे हैं जो समझते हैं कि उसको एनआरओ देना चाहिए? जिस दिन नौजवानों ये सुन लो, जिस दिन मैंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन डाकुओं को जिस दिन मैंने एनआरओ दिया, मैं उस दिन अपनी मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क को, इन दोनों को, शरीफ को और जरदारी को एनआरओ दे के सबसे बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान से, क्योंकि जब वो एनआरओ दिया गया उसके बाद इन दोनों ने 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 4 गुना ज्यादा बढ़ाया। 6000 अरब से हमारा कर्जा 10 सालों में 30000 अरब पे गया। 60 साल में हमारा कर्जा 6000 अरब था। उस एनआरओ की वजह से हमारा कर्जा 30000 अरब पे गया, जो आज हमें बोझ उठाना पड़ रहा है इनकी चोरी का। इसलिए पाकिस्तान के लोगों, ये समझ जाओ कि ये मुल्क तरक्की तब करेगा जब इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी और पाकिस्तान एक फलाई रियासत बनेगा, जो कायदे आजम और इलामा इकबाल का ख्वाब था। और इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है कि मैंने पूरी तरह अपना पूरा जोर लगाऊंगा
अपना जोर लगा रहा हूं ये दो चीजों को करने के लिए, एक पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाने के लिए और दूसरा पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए। मैं आखिर में आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, स्वात के लोगों, मलाकंड के लोगों, हमेशा आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।